तो चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा था एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो अगर हम एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की बात करें तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के यहाँ पे हमारे होते हैं टोटल कितने मेथड हो गए भाई श्याम? सात मेथड हो गए। तीन मेथड ये हो गए, तीन नीचे हो गए, तीन तीन छः और एक हो गया सात, ठीक है। सेवन लाइफ साइकिल मेथड होते हैं एक्टिविटी के। और जब आप एंड्रॉयड पढ़ने जाते हो तो भाई एटलीस्ट आपको एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड तो पता ही होना चाहिए। अगर एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड नहीं पता है और एक्टिविटी के बारे में नहीं पता है तो फिर भाई आगे काम करना दिक्कत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्टिविटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है ना। जैसे जावा के अंदर हमारा एक फ्रेम होता है, या विंडो होता है, जिस फ्रेम या विंडो पे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, चीज़ों को बनाते हो, वैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन में जब हम एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन रन करके ले आते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन आ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आती है। ये हमारा हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन थी, इसमें एक स्क्रीन आई थी, ठीक। हर एप्लीकेशन में स्क्रीन होती है, एक स्क्रीन, बहुत सारी स्क्रीन, और जितनी भी स्क्रीन होती हैं उन सारे स्क्रीन को ही एक्टिविटी नाम बोला गया। तो एक एप्लीकेशन में एक ही एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मिल सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तो उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जैसे मान लो कि मैंने अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटी बना दिया, बहुत सारी स्क्रीन बना दिया, तो कौन सा स्क्रीन पहले चलेगा ये कैसे पता चलेगा? जो मैनिफेस्ट में होगा ऐड होगी जिसकी एंट्री मैनिफेस्ट में होती है। देखिए यहाँ पे दे मैनिफेस्ट सकती होता है है, जो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पे क्या होता है। ये आपको दिख रहा है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी टैग दिख रहा है आपको। इस टैग के अंदर देखिए इंटेंट फिल्टर करके यहाँ पे टैग है। इस टैग में जहाँ पे है ये इंटेंट फिल्टर में एक्शन मेन और लॉन्चर जिस एक्टिविटी के साथ लिखा होगा वो पहले लॉन्च होगी, वही लॉन्च होगी। हम चाहे तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके एक्टिविटी बना सकते हैं, बहुत सारे स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे एक्टिविटी बना सकते हैं, लेकिन जो लॉन्च होगा वो उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। अच्छा चलो ठीक है, लॉन्च हो रही है एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा था, अगर फिर से बता देता हूँ कि एक्टिविटी क्लास जो होती है, जो इंटरनली बनाई गई है, वो इंटरनली कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर को एक्सटेंड करती है। कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर कॉन्टेक्स्ट रैपर को करता है, और कॉन्टेक्स्ट रैपर कॉन्टेक्स्ट को करता है, और कॉन्टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्लास क्या होती है, माई जो एक्टिविटी क्लास है, मेरी जो क्लास है, वो इंटरनली किसको एक्सटेंड करती है? और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, ऐप कॉम्पैक्ट फ्रेगमेंट एक्टिविटी को, फ्रेगमेंट सपोर्ट सपोर्ट एक्टिविटी को करती है, और यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिविटी को एक्सटेंड करती है। इतनी कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें इनहेरिटेंस के रूल की, तो चाइल्ड क्लास के पास अपना तो मेथड होता ही होता है, साथ में पेरेंट के सारे मेथड होते हैं। एक मिनट, आपने दोबारा कॉल किया है क्या? दोबारा मैं कॉल करता हूँ। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको कि भाई चाइल्ड क्लास के पास अपने तो मेथड होते हैं, साथ में पेरेंट के भी मेथड होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के पास अपने तो मेथड होते ही हैं, साथ में पेरेंट के भी सारे मेथड अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो हमारी एक्टिविटी क्लास है, मेन एक्टिविटी। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ, मेरी ये क्लास है, कोई भी क्लास, ये हमने क्लास बनाया जिसका नाम रखा माई क्लास, ठीक है। तो ये माई क्लास को एक्टिविटी क्लास बोला जा सकता है? हाँ जी, नहीं माई क्लास को एक्टिविटी क्लास बोला जा सकता है? नहीं।
हम किसी भी चाइल्ड क्लास को, किसी भी क्लास को है ना, उस पर्टिकुलर क्लास टाइप का तब मानते हैं जब वो उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चाइल्ड होती है। समझ आ रहा है? तो जैसे यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी ने एक्सटेंड कर लिया किसको, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी किसको एक्सटेंड करता है, फ्रेगमेंट को, फ्रेगमेंट करता है सपोर्ट को, और सपोर्ट करता है एक्टिविटी को। तो कहीं ना कहीं हमारी मेन एक्टिविटी क्लास वो इनडायरेक्ट चाइल्ड हो गई किसकी, एक्टिविटी की। अगर वो एक्टिविटी की इनडायरेक्ट चाइल्ड हो गई तब इसीलिए हम अपनी इस क्लास को, ये जो मेन एक्टिविटी क्लास है इसको एक्टिविटी क्लास बोलते हैं। अब बात समझ आ गई? कोई भी क्लास जब उस टाइप का बनता है तभी उसको हम उस पर्टिकुलर क्लास को उस टाइप का बोलते हैं। और ये एक्टिविटी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि मेन एक्टिविटी है ना, इसका नाम मेन भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी क्लास जब रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो उसके एग्जीक्यूशन का लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। और उसकी एग्जीक्यूशन के लाइफ साइकिल का पहला मेथड ऑन क्रिएट, दूसरा ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ये पूरा चलता है। लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेथड लिखा जाता है, ऑन क्रिएट मेथड। और ऑन क्रिएट मेथड के अंदर इंटरनली यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू के अंदर क्या कॉल होता है, लेआउट। अब ये लेआउट जो कॉल होता है, ये लेआउट हमें इसीलिए दिख जाता है। अच्छा, आपसे अब लाइफ साइकिल के मेथड में इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि बताइए कि ऑन क्रिएट मेथड का क्या यूज होता है और ये कब चलता है ना। तो ऐसा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, अब ऑन क्रिएट ही नहीं, जैसे ऑन क्रिएट मेथड यहाँ पे ओवरराइड करा गया है, ऐसे बाकी भी मेथड ओवरराइड करके आप देख सकते हैं। जैसे ऑन क्रिएट के बाद क्या होता है, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट को भी ओवरराइड कर लीजिए, और फिर क्या होता है, ऑन रिज्यूम, उसको भी ओवरराइड कर लीजिए, ठीक है। फिर होता है आपका ऑन, चलो ऑन रीस्टार्ट होता है, और कौन सा होता है, ऑन पॉज, उसको भी ओवरराइड कर लीजिए, और कौन सा मेथड होता है, ऑन स्टॉप, इसको ओवरराइड कर लीजिए, और उसके बाद होता है ऑन डिस्ट्रॉय, इसको भी ओवरराइड कर लीजिए, हो गया मेथड। अब ये जो मेथड हमने ओवरराइड करा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ऑन क्रिएट, जिसमें अच्छा जो पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन क्रिएट मेथड क्या करता है, पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलता है। और ये इसके अंदर कोई भी ऐसा काम जो होता है जो एक बार आपको करना है वो कर लीजिए, जैसे जैसे सपोज करिए कि आपको एप्लीकेशन में लेआउट को कॉल कराने का काम करना है, तो यहाँ पे देखिए कर लिया गया है। आपको एप्लीकेशन का आईडी निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कह सकते हो विजेट्स का, तो वो यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो पूरी लाइफ साइकिल के अंदर जो एक बार आपको काम करना है वो यहाँ पे कर लीजिए। तो एंड्रॉयड का जो रन टाइम है, जिसको एआरटी बोलते हैं, वो हमारी मेन एक्टिविटी क्लास को लोड करके उसका ऑब्जेक्ट बना के वो इस पर्टिकुलर ऑन क्रिएट को कॉल करता है, ठीक है, एक बार। लेकिन ऑन क्रिएट अकेले कभी नहीं चलता, वो हमेशा इन तीनों के साथ चलता है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये आप देख सकते हैं यहाँ। क्योंकि अगर ऑन क्रिएट मेथड चल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन में ये हमें दिख जाएगी, नहीं, ऑन क्रिएट मतलब एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, और ऑन स्टार्ट का मतलब ये स्टार्ट होने जा रही है ना, स्टार्ट हो गई। लेकिन स्टार्ट होने अगर हो भी गई है तो उसको हम देख नहीं सकते, उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि ऑन रिज्यूम नहीं चलेगा। ये तीन मेथड एक साथ चलते हैं, इनको अगर हमें देखना है तो हम इसको रन करके और यहाँ पे कोई मैसेज वैसेज प्रिंट करा सकते हैं, है ना। तो भाई जैसे जावा होता है, जावा में वो मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं, वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे तो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है नहीं, हमें यहाँ कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक लॉग क्लास होती है, ठीक है, और उसका मेथड होता है डी, डी मतलब होता है डिस्प्ले, ये डिबग मैसेज को प्रिंट कराने के लिए होता है। लॉग डॉट ई भी होता है, डी भी होता है एरर मैसेज प्रिंट कराने के लिए। तो मैं डिबग मैसेज प्रिंट कराने के लिए डील यहाँ पे यूज करूँगा, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल टैग करके बना देता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इवेंट, ठीक है। और ये टैग वेरिएबल यहाँ पे पास करना होता है क्योंकि एक टैग इंफॉर्मेशन लेता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मैसेज ले लेता हूँ कि भैया ये ऑन क्रिएट मेथड है, और ये अगर चल जाएगा